हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका कुकिंग कमलेश में। आज मैंने आपके लिए बनाया है कटहल, और मैंने जिस तरीके से बनाया है, अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपको किसी चिकन या नॉनवेज से कम नहीं लगेगा। तो चलिए हम इसको बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। ये आधी किलो कटहल है, इसको हम पहले तलेंगे। कई लोग बिना तले बनाते हैं लेकिन इसमें स्वाद नहीं आता है। जब तक कटहल को हम तलेंगे नहीं, फ्राई नहीं करेंगे, तब तक उसमें स्वाद नहीं आएगा। तो देखिए इसको हम फ्राई करते हैं। हम इसको दो बार करके फ्राई करेंगे। जब तक ये ब्राउन होएगा, चलो फ्राई करेंगे इसको हम लोग। जब तक ये ब्राउन होएगा तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। हमारे कटहल के लिए हमने एक तड़का तैयार करना है। ये देखिए, ये मेरी 8-10 कलियां लहसुन की हैं। 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। 2 हरी मिर्च लिए, एक मैंने बड़ा टमाटर लिया है, और ये मैंने लिए 2 प्याज। इसको हमने रफली चॉप किया है और इसको हमने इस तरह लंबी लंबी काटा है। अब हम इसको फ्राई करके तैयार करते हैं। आप देखिए तड़का मैं किस तरह तैयार करती हूँ। ये हमारे खड़े गरम मसाले हैं, जिसके अंदर है 1 बड़ी इलायची, 1 छोटा सा टुकड़ा इसका दालचीनी का, ये 2 हैं तेज पत्ते, 2 से 3 मैंने लिए लौंग, और ये जावित्री का छोटा सा फूल, और ये मैंने लिए 8-10 काली मिर्च। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें सबसे पहले डालेंगे जीरा। जीरा हमारा कड़क चुका है, अब हम इसमें सारे ये खड़े गर्म मसाले डाल देंगे। अब इसी टाइम अपनी हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। और ये लहसुन, अदरक, प्याज को हम अच्छा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच धनिया। धनिया इसमें ज़्यादा डलता है। थोड़ी सी हम डालेंगे इसके अंदर हल्दी। 1/2 चम्मच के करीब हम डालेंगे इसके अंदर मिर्ची, क्योंकि हम मिर्ची इसके अंदर हरी भी यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसको एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। इसको हम अभी रख देते हैं ताकि हमारे मसाले ज़रा फूल जाएँ। प्याज भी हमारा तकरीबन गोल्डन ब्राउन होता जा रहा है। अब इसी के अंदर हम ये 2 मिर्च डाल देंगे हाथ से तोड़ के, और ये हम डाल देंगे अपने टमाटर। अब ये जो हमने पेस्ट तैयार करा था वो भी हम इसी टाइम डाल देंगे। नमक अपना डालेंगे 1 चम्मच करीब। गैस को हम कम ही रखेंगे ताकि हमारे मसाले जलेंगे। 1/2 चम्मच इसके अंदर हम कश्मीरी लाल देगी मिर्च डालेंगे, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। इसके अंदर हम मसालों का, जो हमारे पीसे हुए मसाले होते हैं, लाल मिर्च, धनिया और हल्दी। आप सोच रहे होंगे मैं पेस्ट बना के क्यों डालती हूँ। मैं पेस्ट बना के इसलिए डालती हूँ कि एकदम जैसे हम पाउडर डालेंगे तो वो कहीं से जल जाएगा। एक 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 करके डालेंगे और फिर फूलने का उन्हें मौका नहीं मिलता है। अब हमने इनके साथ पेस्ट करके बना के डाला है तो वो उनको फूलने का भी मौका मिल गया और इक्वल डल जाते हैं, और फिर वो अच्छे सी मतलब खुशबू देते हैं, स्माइल देते हैं, और उससे बनता बहुत अच्छा है। अब हम इसको ढक के पकाएंगे। हमारा कटहल भी लगभग हो चुका है, अब हम इसको निकालते हैं। अब हम अपने मसाले को देख लेते हैं। मसाला हमारा अच्छी तरह भुन चुका है, टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब हम अपनी गैस को कर देते हैं बंद, और इसको ठंडा करके हम इसको ग्राइंडर जार में डाल के पीस लेते हैं। तो मसाला हमारा ठंडा हो चुका है, क्योंकि इसे ठंडा करके ही पीसना चाहिए। गरम गरम नहीं पीसना चाहिए। मैंने तो अपना इसको ठंडा करा है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है, मैंने ठंडा कर लिया है, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है
तो इसके अंदर आप 2 क्यूब 3-4 क्यूब बर्फ की डाल सकते हैं। हमारी कितनी फर्स्ट क्लास पेस्ट तैयार हुई है। अब बस हमारा तेल गर्म है, जिसमें हमने उसको तला था अपने कटहल को, वही हम कढ़ाई और तेल इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, अब हमारा मसाला हमने डाल दिया है जो हमने पेस्ट बनाया था, और इसके अंदर हम गर्म पानी डालेंगे। कोई 1 कप के करीब, ज्यादा पानी हमें चाहिए नहीं। और अब हम इसके अंदर अपना डाल देंगे कटहल। अब हमारा मसाला भी भुन जाएगा। अब इसको ढक के पकाएंगे कोई 10 से 15 मिनट तक, जिससे हमारा मसाला भी भुन जाएगा और अपना तेल भी छोड़ देगा वो, और हमारा कटहल भी पक जाएगा। अब हम इसको ढक देंगे। गैस को हम मीडियम स्लो ही रखेंगे। अब हम अपनी कटहल की सब्जी को देखें। देखिए, आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा तो इसमें तेल रिलीज हो गया है। और देखिए, अब हम इसको आपको दिखाते हैं कि ये कितना गल चुका है। बहुत ही फर्स्ट क्लास हो गया है। आप देखिए, हम अपना अब किस स्टेज पे अपनी गैस को हम कर देते हैं बंद। ये देखिए, धनिया पत्ती से हम लोग उसको गार्निश कर लेंगे। बस हमको इसी तरह ही चाहिए था, है ना। मैंने कहा था ना, बिल्कुल नॉन वेज की तरह बनेगा। चलिए हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको बनाया है, बिल्कुल नॉन वेज से कम नहीं। जिस तरह हम चिकन बनाते हैं तो उसकी ग्रेवी तैयार करते हैं, वैसे ही मैंने कटहल की तैयार करी है। तो आप इसको एंजॉय कीजिए, पराठे के साथ खाइए, चाहे नान के साथ खाइए, चाहे सिंपल रोटी के साथ खाइए। मुझे पता है आपको उतना ही मज़ा आएगा जैसा कि हम नॉनवेज खाते वक्त फील करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में।